प्रदूषण की पीड़ा से कराह रही जीवनदायिनी मां मंदाकिनी को बचाने के लिए आगे आया संत समाज। मंदाकिनी के भरत घाट में आयोजित गोष्ठी में संत समाज, समाज सेवी और राजनेता ने मंदाकिनी को प्रदूषण मुक्त करने की रणनीति बनाई। धर्म नगरी के संत संकादिक महाराज ने बैठक की अध्यक्षता की। वही कार्यक्रम का संयोजक काम गिरी प्रमुख शिवार के महंत मदन गोपाल दास महाराज ने किया। समाज सेवी गोपाल भाई, उमाशंकर पांडेय, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, व्यापारी नेता पंकज अग्रवाल आदि समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। टीवी 24 समाचार के लिए चित्रकूट से राधा बिहारी पाठक की रिपोर्ट। सन 2011 में उस समय राजेंद्र शुक्ला राम प्रभात मंत्री सूचना के थे, राम चर्चे गणेश सिंह उस समय कलेक्टर, उस समय सारे अधिकारी राम लिख के दिए थे कि हम इसको 3 महीना में काम चालू कर देंगे और 1 साल के अंदर इसको पूरा। वो बात राम 5 साल तक ऐसी करती रही, फिर महात्मा आंदोलित हुए, फिर इसको राम जी बोला कि हम आज परसों से चालू कर देते हैं। संतों को ले जाया गया और स्फटिक शिला में नारियल तोड़ा गया, चूना का डाला गया और फिर बोल दिया गया वो जमीन हमको नहीं दे रहे हैं, ये जमीन हमको दिलाइए और हम अपना काम काम करेंगे। फिर राम जी के पास लोगों को काम पर पैन नहीं डाल जी। हाँ जी, आज जो शुरुआत हुई एक जन आंदोलन की, क्या है और ये कहाँ तक चलेगी, इसमें क्या आप मांग? यह जन आंदोलन हमारा लगातार 3 वर्ष पहले, लगभग हमको ध्यान है 2011 में सभी लोग बैठक हुए शिवराज जी की सरकार थी और उस समय से ही मां मंदाकिनी की चिंता की गई। उसमें सीवर लाइन की बहुत बड़ी मांग थी, उस समय मांग के लिए उन्होंने कुछ करोड़ रुपए हमको दिया चित्रकूट के लिए, लेकिन उतने में कार्य नहीं हुआ। फिर इसके बाद हम लोग 3 वर्ष पहले फिर पुनः बैठे तो उन्होंने व्यवस्थित रुपया भी दिया और कार्य भी प्रारंभ करवाया। हम लोगों ने ये सोचा कि चलो कार्य प्रारंभ हो जाएगा, प्रदूषण दूर होगा, लेकिन वो अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ। लगातार उसी क्रम में आज फिर से बैठे पूज्य संत लोग और सारे लोगों ने खुले मंच से घोषणा की है कि अगर 15 दिन के अंदर मां मंदाकिनी का कार्य प्रारंभ नहीं होता तो फिर हम सरकार के खिलाफ अनशन धरना प्रदर्शन करेंगे, अगर जेल भी जाना होगा तो जेल जाएंगे, कोई भी विकास कार्य नहीं होने देंगे जब तक मां मंदाकिनी का कार्य प्रारंभ नहीं होता। कृपया अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं।